गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 चलना हमारा काम है पढ़ेंगे। शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी रचना है चलना हमारा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। तो गति यानी कि चाल, रफ्तार, दर दर हर एक स्थान पर, प्रबल यानी तीव्र शक्तिशाली, मंजिल यानी जो मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो कवि कह रहे हैं कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पास हूं, तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। तो मंजिल क्या है? किसी भी व्यक्ति की मंजिल उसके जीवन का लक्ष्य होता है। और ये रास्ता क्या है? जीवन का पथ है। इस पर चलते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर कवि ने जीवन पथ पर लगातार चलते रहने के महत्व को बताते हुए कहा है कि जब मेरे पैरों में तेज चलने की शक्ति है, मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं जीवन के रास्ते पर तेज गति से चल सकूं, तो फिर मैं भला जगह जगह क्यों खड़ा रहूं? आगे कवि कहते हैं कि मेरे सामने इतना बड़ा रास्ता है, तो जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाऊंगा, मैं कहीं आराम नहीं करूंगा, मैं कहीं नहीं रुकूंगा। और कहते हैं कि मनुष्य का कार्य और मनुष्य का कर्तव्य जीवन पथ पर चलते रहना है। तो यहाँ उनके कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन के पथ पर, जीवन के राह पर चलते हुए लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए जाना चाहिए। और उसे जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता, जब तक अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है वह जीवन पथ पर चलता रहे। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। अब कवि कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन में गतिशील रहने की प्रेरणा दी है। इस विषय में उनकी सोच है कि जब तक मुझे मंजिल नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक मुझे ठहरना नहीं है, गतिशील रहना है। तो कवि कहते हैं कि जो बार बार यहाँ पे चलना हमारा काम पंक्ति जो आ रही है, इस पंक्ति को बार बार कहने का आशय यह है कि उस बात के महत्व को बताया जाए कि वह बात कितनी महत्वपूर्ण है, इसे दर्शाया जाए। यहाँ जीवन की गतिशीलता के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा है कि जीवन के रास्ते पर चलते समय हमें कुछ अपनी मन की बातें कहनी चाहिए तथा कुछ दूसरों की भी सुननी चाहिए। और इससे क्या होता है, मन का जो बोझ है, हमारी जो कुछ परेशानियां हैं, वो कम हो जाती हैं। और जब हमारे मन का बोझ कम होता है, तो हमारी जो क्षमता है वो और बढ़ जाती है। जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने की हमें हिम्मत मिलती है। जीवन पथ पर चलते हुए किसी साथी के मिल जाने पर हमें खुशी भी होती है, और साथ चलने से रास्ता जो कि बहुत लंबा है, वो आसानी से पार हो जाता है। तो यहाँ कवि ने लिखा है कि तुम मिल गई। यहाँ वो अपनी जीवन संगिनी के लिए कह रहे हैं। जीवन पथ पर उनके हमसफर, उनकी जीवन संगिनी मिली, और इस कारण उनका रास्ता जो अकेले चल रहे थे, उनके साथ की वजह से आसानी से कट गया। फिर वो कहते हैं कि राह में मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं तो राही हूं, यही मेरा नाम है। तो जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति का परिचय यही है कि वे राही है,
और रास्ते में चलने वाले का एक ही परिचय होता है कि वह राही है। चलते रहना उसका कर्तव्य होता है और इसके अतिरिक्त उसका कोई परिचय नहीं होता है, ये उन्होंने अंतिम पंक्तियों में बताया है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर वो मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि कह रहे हैं कि जीवन अपूर्ण लिए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है। तो कवि कह रहे हैं कि अपूर्ण यानी अधूरा, गतिमति यानी चाल और बुद्धि, अवरुद्ध यानी बाधा, आठों याम यानी हर समय। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जीवन पथ पर अग्रसित होने का भाव प्रकट किया है, यद्यपि जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख की चर्चा इन्होंने इन पंक्तियों के द्वारा की है। यहाँ पे आठों याम का मतलब, जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो उन्हें हम आठ प्रहर या आठ याम में बांट देते हैं। अवरुद्ध मैंने अभी आपको बताया बाधा या रुकावट। तो कभी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अपूर्णता लिए हुए है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं हर तरफ से खुश हूँ या हर तरफ से संतुष्ट हूँ। कहीं उसे अगर कुछ मिलता है तो कहीं वो कुछ खोता भी है। कभी उसके जीवन में आशाएं आती हैं तो कभी निराशा, और निराशा जब आती है तो निराशा जो है उसे परेशान कर देती है। कभी उसे सुख मिलता है तो वह हंसता है, दुख मिलता है तो वह रोता है। तो कभी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अपूर्ण है, क्योंकि कभी हमको सब कुछ नहीं मिलता, कहीं कुछ मिलता है तो कहीं कुछ खो भी जाता है। हमारा जीवन आशाओं से भरा है तो कहीं निराशाओं से घिर जाता है। तो कभी हमें सुख मिलता है तो हम हंसते हैं, और कभी दुख मिलता है तो हम रोते हैं। ये जो सारे बदलते हुए रंग हैं ये तो जीवन में चलते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन इसके कारण हमें जीवन पथ पर चलने की अपनी गति को रोकना नहीं है और ना ही अपनी बुद्धि को इससे प्रभावित होने देना है। इस बात का सदा ध्यान रखते हुए जीवन पथ पर चलते रहना ही व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो इस बात का सदा ध्यान रखते हुए जीवन के रास्ते पे हमें चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।